हम देखते गोकू जिसके सामने खड़ा हुआ था वो था गौर द गॉड विचर। गौर कहता, तुम गॉड होते तो मैं यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये कहने के बाद वो अपनी नक्र स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड की तरफ देखकर कहता, तुम्हें लाल होने का वक्त फिर से आ गया है मेरे प्यारे दोस्त। ये कहते ही गौर नक्र स्वॉर्ड से गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उसके हमले को डॉच करता है और कहता है, ये तो काफी ताकतवर निकला। गोकू जैसे ये कहता है गौर नक्र स्वॉर्ड से अपना दूसरा हमला गोकू पर कर देता है। वो गोकू पर लगातार हमला करता ही रहता है पर गोकू उसके सारे हमले को टच किए जा रहा होता है। वो जानता नहीं था कि नक्र स्वॉर्ड कितनी ज्यादा खतरनाक है, अगर वो उसे लग गई तो फिर वो हार सकता है। और तभी गौर काफी गुस्सा हो जाता है और वो नक्र स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पावर को रिलीज करता है और एक बड़ा हमला गोकू पर कर देता है। गौर के उस हमले से गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू अपनी बेस फॉर्म में गौर से फाइट कर रहा होता है। वो अपनी बेस फॉर्म में काफी ताकतवर हो गया था लेकिन इतना नहीं कि वो गौर का सामना कर पाए। गौर कहते हैं, मैंने तुम जैसों का बहुत सामना किया है और तुम्हें कैसे लगा कि तुम मुझे हरा दोगे? तुमने मेरे पास आकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, बेवजह मारे जाओगे। ये कहने के बाद गौर हंसने लगता है। गोकू उसे हंसता देख कहता, इसे क्या हो गया, इसने तो मुझे अभी हराया भी नहीं है और ये अभी से खुशी मना रहा है। ये कहने के बाद गोकू गौर द गॉड विचर पे हमला करता है और इस बार गोकू अपनी सुपर सैन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है पर नक्र स्वॉर्ड बीच में आ जाती है और वो गोकू के एक भी हमले को गौर को लगने नहीं देती। गौर गोकू को देखकर कहता है, तो ये है तुम्हारा असली रूप, तुम सच में गॉड ही लग रहे हो। गोकू कहता है, मैं गौर नहीं हूँ, अगर तुम मुझे समझना चाहो तो समझ सकते हो, मैं इसके लिए तुम्हें मना नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद वो गौर द गॉड विचर पे फिर से एक पंच करता है लेकिन नक्र स्वॉर्ड फिर से गोकू के पंच के सामने आ जाती है और गोकू का पंच उससे टकरा जाता है। गोकू कहता, तुम्हारा ये हथियार कमाल का है। गौर कहता, हाँ ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, इसने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया है और ये कभी गद्दारी नहीं करती। गोकू कहता है, तो ये बात है, चलो आज देखते हैं ये तुम्हारा साथ कब तक देती है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और अप करता है और सुपर सैन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गौर ये देखकर गोकू से कहता है, तो बताओगे तुम आखिर कौन से गॉड हो ताकि मैं जान सकूं मैंने किस गॉड को मारा है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है, कहीं तुम नए गौर तो पैदा नहीं हुआ। ये कहने के बाद गौर गोकू पर अपने नक्र स्वॉर्ड से हमला कर देता है। गोकू भी गौर पर हमला करता है और वो दोनों एक दूसरे पर बहुत सारे हमले करने लगते हैं। उनकी फाइट अप शुरू हो चुकी थी। गोकू कहता है, तुम्हारा ये हथियार कमाल का है, ये तुम्हारी रक्षा करने के साथ तुम्हें पावर भी दे रहा है, यहाँ तक कि ये हथियार तुम्हें एक ही पल में हील भी कर देता है। मेरे हमले तुम्हारे खिलाफ बेकार साबित हो रहे हैं जबकि मैं इस फॉर्म में अभी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। गौर कहते हैं, सारे गौर मरने से पहले खुद को ताकतवर ही समझते हैं और बाद में जान के भीख मांगते हैं, तुम भी ऐसा ही करने वाले हो। ये कहने के बाद गौर अपनी नक्र स्वॉर्ड से फिर से पावर को रिलीज करता है और गोकू पर बहुत सारे हमले करता है। गोकू सारे हमले को टॉच करते हुए गौर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और जैसे ही गौर के करीब आता है अचानक से नक्र स्वॉर्ड गोकू पर हमला कर देती है पर गोकू वक्त रहते पीछे हट जाता है और कहता है, ऐसा लग रहा है इस तलवार में जान है। और ये कहने के बाद वो गौर के पीछे टेलीपोर्ट होता है और गौर को जैसे ही पंच करने वाला होता है अचानक से नक्र स्वॉर्ड वहाँ पर भी आ जाती है और गोकू के हमले को रोक लेती है। गोकू ये देखकर कहता है, ऐसे तो मैं उसे कभी नहीं जीत पाऊंगा। और ये कहने के बाद वो उस पर बहुत सारे कीबला से अटैक कर देता है लेकिन गोकू के उन हमलों से न नक्र स्वॉर्ड को कोई असर होता है और न ही गौर को। गोकू ये देखकर कहता है, इससे बात नहीं बनेगी, मुझे और कुछ करना होगा। और ये कहने के बाद वो सुपर सैन गॉड ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गौर से कहता है, देखते हैं तुम इसका मुकाबला कैसे करते हो। गौर कहता है, तुम तो काफी रूप बदल रहे हो, बिल्कुल क्रिकेट की तरह सारे गौर ऐसे ही होते हैं। गोकू कहता है, लगता है तुम्हें गौर से बहुत दुश्मनी है, क्रेटोस से भी ज्यादा, लगता है गौर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। गौर कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम खुद की सफाई हाँक रहे हो, तुम भी तो एक गॉड हो और अब तुम भी मरोगे। ये कहने के बाद वो अपनी नक्र स्वॉर्ड से फिर से गोकू पर हमला करता है लेकिन गोकू से पहले इस पर कई सारे गौर लिक्की ब्लास्ट से अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा धमाका होने लगता है लेकिन गौर उन हमलों से बच जाता है। लेकिन गोकू फिर भी रुकने का नाम नहीं लेता, वो लगातार उस पर हमला किए जा रहा होता है और गौर से कहता है, देखता हूँ तुम इन हमलों से कितनी देर तक बचते हो। और ये कहने के बाद गोकू अचानक से उस पर बहुत सारे की बला से अटैक एक साथ कर देता है जिससे वहाँ पर काफी धमाका होता है और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं गौर घायल हो चुका था पर नक्र स्वॉर्ड उसे एक बार में हील कर देती है। गोकू कहता है, समझ नहीं आ रहा मुझे किस पर हमला करना चाहिए, उस स्वॉर्ड पे या उस पर। और तभी हम देखते अचानक से गौर गोकू के पीछे आ जाता है और अपने नक्र स्वॉर्ड से गोकू पर हमला कर देता है।
गोकू वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलता और न उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो नक्र स्वॉर्ड गोकू के शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे गोकू काफी जोर से चिल्लाता है। गौर कहता है, अब तुम नहीं बचोगे, अगर ये तलवार किसी को लग गई तो उसका बचना नामुमकिन है, चाहे वो इंसान हो या फिर गॉड। और हम देखते गोकू की बॉडी धीरे धीरे डस्ट में बदलने लगती है और गोकू गायब होते हुए कहता है, बताने के लिए शुक्रिया और अपने पीछे देखो। और हम देखते वो गोकू का क्लोन था और वो हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। गौर जैसे पीछे मुड़कर देखता है, कहता है, ये तुम्हारी कैसी चाल थी? गोकू कहता है, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी तलवार आखिर क्या कर सकती है और ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, और मुझे अंदाजा हो चुका है तो मैं तुम्हें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और ये कहने के बाद गोकू छलावे की दुनिया को बनाता है, लेकिन उससे पहले गौर गोकू पर हमला कर देता है। गोकू कहकर लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से ये नहीं करने दोगे, तो चलो ठीक है। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथों में पावर को रिलीज करता है और पोल वाना हमला कर देता है। नेक्रो स्वॉर्ड बीच में आकर गौर को बचाती है, लेकिन वो हमला इतना पावरफुल था कि नेक्रो स्वॉर्ड को बीच में आने के बाद भी गौर काफी दूर जाकर गिरता है और नेक्रो स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाती है और वो उससे अलग हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर गोकू उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे गौर काफी घायल हो जाता है। और जैसे ही गोकू उस पर अपना दूसरा हमला करने वाला होता है, नेक्रो स्वॉर्ड बीच में आ जाती है और गौर को बचा लेती है, उसे फौरन हील कर देती है। गौर कहता है, तुम बाकी गौर के मुकाबले काफी ताकतवर हो, तो देखते हैं तुम इसका मुकाबला कैसे करते हो। ये कहने के बाद वो नेक्रो स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करता है। ये देखने के बाद गोकू भी अपने हाथों में काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और गौर जैसे गोकू पर अपना हमला करता है, गोकू भी इस पर अपना मिजोरी स्मैश कर देता है। और उन दोनों के हमले के टकराने से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे गौर काफी दूर जाकर गिरता है और गोकू भी काफी पीछे हट जाता है और कहता है, ये तो कमाल का था। तभी गोकू के पीछे से कोई कहता है, तुम भी कमाल के हो और अब मरो। और ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करता है और हम देखते हैं वो गौर था जो अपनी नेक्रो स्वॉर्ड की मदद से गोकू के पीछे टेलीपोर्ट हो गया था। गोकू को जब तक यह पता चलता है, नेक्रो स्वॉर्ड का हमला गोकू को लग चुका था, जिससे गोकू की बॉडी पर एक स्क्रैच आ जाता है। गौर कहता है, अब तुम नहीं बचोगे। और ये कहने के बाद वो जैसे अपनी नेक्रो स्वॉर्ड को गोकू के शरीर के अंदर डालने वाला होता है, गोकू सलवार को अपने हाथ से रोक लेता है और उस तलवार पर एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे वो गौर के हाथों से छूटकर काफी दूर जाकर गिरती है। इसके बाद गोकू गौर के पीठ में भी एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे गौर भी काफी दूर जाकर गिरता है। और ये कहने के बाद वो गौर के पास जैसे ही जाने लगता है, उसे काफी दर्द महसूस होता है और वो जमीन पर ही गिर जाता है। गोकू कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये इस स्क्रैच की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तभी गोकू की पावर अचानक से धीरे धीरे कम होने लगती है और वो सुपर सैन गॉड ब्लू से अचानक से सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम गौर को देखते हैं जो नेक्रो स्वॉर्ड के पास जाता है और उसे अपने हाथों से उठाकर कहता है, ये खून काफी स्वादिष्ट लगता है। और ये कहने के बाद वो उस खून को चाट लेता है। इसके बाद वो गोकू की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं गोकू काफी बेचैन हो रहा था और वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। और तभी अचानक से गोकू नॉर्मल हो जाता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। गौर ये देखकर फौरन गोकू पर हमला कर देता है और काफी खुश होता है, लेकिन जब उसकी नजर पड़ती है, वो कहता है, जी कहाँ गया? और उल्टा गौर को ही डैमेज पड़ चुका था। और हम देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज हो चुका था। गौर उसके हमले को देख भी नहीं पाया था और हम देखते गोकू फिर से गौर पर हमला कर देता है। गौर अभी भी उसके हमले को देख नहीं पाता और उसे चोट खाकर घायल हो जाता है, पर नेक्रो स्वॉर्ड के कारण गौर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो उसे हील कर देती है और गोकू उस पे लगातार हमला करता है। गोकू के हमले इस बार इतने पावरफुल होते हैं कि गौर को इससे काफी दर्द हो रहा होता है। नेक्रो स्वॉर्ड भी गौर को नहीं बचा पा रही होती है। गोकू के हमले इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि गौर नेक्रो स्वॉर्ड के होते हुए भी खुद को नहीं बचा पा रहा था, जिससे गौर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और गोकू से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे हार गया और तुम जीत गए? बिल्कुल भी नहीं। और अचानक से नेक्रो स्वॉर्ड से पावर रिलीज होती है और वो गौर को फिर से हीन कर देती है। इसके बाद गौर अपनी नेक्रो स्वॉर्ड को जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। वो डार्क पावर निकलने से वहाँ पर काफी सारे वॉरियर जिंदा हो जाते हैं और वो गोकू पर हमला कर देते हैं, पर गोकू के अंडर एंट्रिंग फॉर्म में होने के कारण वो गोकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और गोकू उन सब पे अपना एक ही काम में हाँ में हाँ करके सबको खत्म कर देता है। गौर ये देखकर और गुस्सा हो जाता है और वो अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा पावर को फिर से रिलीज करने लगता है और एक बहुत बड़ा हमला कर देता है। गोकू भी ये देखकर एक अपना बहुत बड़ा सुसानो फॉर्म तैयार करता है और वो उस हमले पर कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है।
गौर को लगता है कि गोकुस हमले से मर गया होगा, लेकिन वो नहीं जानता था गोकुस के पीछे ही है। तभी वो अपनी अल्ट्रा स्ट्रिंग की फॉर्म में गौर के ऊपर अपना ड्रैगन पंच कर देता है। गौर को जब ये पता चलता है तो अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। गौर उस हमले को रोकने में कामयाब भी हो जाता है और वो ड्रैगन गायब हो चुका था, लेकिन उस हमले को रोकने के चक्कर में नेक्रो स्वॉर्ड में काफी स्क्रैच आ जाते हैं और वो बीच बीच से टूटने लगती है। गौर कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक था। गौर जैसे ये कहता है गोकू उस पर अपना एक और ड्रैगन पंच कर देता है और हम देखते हैं वो ड्रैगन गौर के साथ नेक्रो स्वॉर्ड को भी जकड़ देती है और वहाँ पर एक तेज रोशनी फैलती है और जैसे वो हटती है हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। गोकू कहता है ये क्या हुआ, क्या ये वही जगह है जहाँ मैं कहीं और आ गया। तभी गोकू अपने आसपास की चीजों को नोटिस करता है और कहता है ये कैसे हुआ, मैं यहाँ पर कब आया और मैं अपनी बीस फॉर्म में कब आया। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू पर कोई बहुत तेजी से हमला करता है। गोकू ये नोटिस करता है और कहता है ये कैसा भूकंप है। और तभी अचानक से गोकू के सामने कोई आता है और गोकू पर एक जोरदार पंच करता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी बहुत दूर जाकर गिरता है और गोकू जैसे ही खड़ा होता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है वो गोकू पर अपना दूसरा हमला कर देता है जिससे गोकू हवा में बहुत दूर चला जाता है। लेकिन तभी वो शख्स अचानक से हवा में उड़ता है और गोकू पर दोबारा हमला करता है और वो हवा में उड़कर गोकू से भी ऊपर चला जाता है और वो गोकू की पीठ पर अपने दोनों हाथों से एक पंच करता है जिससे गोकू जमीन की तरफ बहुत तेजी से गिरता है और जैसे वो जमीन से टकराता है वहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और वहाँ पे धूल ही धूल फैल जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जैसे वो धूल खत्म होती है हम गोकू को देखते हैं जो जमीन पे पड़ा हुआ था। वो खड़ा होता है और उस शख्स से कहता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे हमले तो काफी खतरनाक हैं। वो शख्स गोकू की बात का जवाब नहीं देता और गुस्से में बहुत तेजी से दहाड़ता है जिससे वो पूरी जगह हिलने लगती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। वो शख्स वंड ब्रेकर हल्क होता है। गोकू ये देखकर कहता है मैं समझ गया इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुमने तो मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए, तुमसे लड़ने में मुझे काफी अच्छा लगेगा। जिसने मुझे यहाँ पर भेजा है लगता है वो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है, वो जानता है मैं कैसे लोगों से लड़ना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो, क्योंकि मुझे तुमसे लड़ने में काफी मजा आने वाला है। ये कहने के बाद गोकू अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और कहता है चलो आ जाओ इस खेल को शुरू करते हैं।